सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज है बंगाली नववर्ष, आप लोगों ने कैसे मनाया? अगर खा पी मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। चार नववर्ष होते हैं आपको मालूम है कि नहीं? भारत में एक तो 1 जनवरी गुड़ी पड़वा चैत्र, उसके बाद में तीसरा ये पहला वैशाख, और उसके बाद में है दिवाली के बाद विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के अंक में वो होता है, और उसका दिवाली के बाद में जो है वो अंग्रेजी संवत वर्ष से भी अधिक उसका कैलकुलेशन है, 2080 या इस प्रकार का चल रहा है। दिवाली के बाद में जो होता है पहला वो भी चालू होता है। अब ये पता नहीं कैसा भी है लेकिन वो भी है। मैंने आज बातचीत की थी एक सज्जन से, उन्होंने कहा था कि ये भी होता है। तो अब मैंने इसे पूछा कि आप कौन सा मानते हो? मैंने ये बोला कि भाई जिस दिन मिठाई हो जाए, अगर चारों दिन हो जाए तो हम चारों ही मान लेंगे। तो हमारे कैलेंडर में है जो बंगाली कैलेंडर है उसमें तो जनवरी फरवरी ऐसा दिया हुआ है, उसमें वो चैत्र वैशाख इत्यादि वो तारीख भी लगाई हुई है। तो खैर जो भी हो, यतीश्वरानंद जी से एक बार फॉरेन में कई वर्षों तक रहे थे, उसके बाद में जब आए थे तो यही नववर्ष आया, मैंने पहला वैशाख तो महाराज को प्रणाम वगैरह किया। फिर उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इतने वर्षों तक रहा विदेश में रहा, अब वो मेरा भाव चला गया उस समय, पहले अब वो लगता ही नहीं है कि नया वर्ष आया है ये सब है। और पता नहीं आजकल यहाँ तो कुछ नहीं देखा क्या हुआ था नहीं हुआ था, आप लोग आप जानते होंगे, लेकिन बंगाल में क्या होता होगा ये कहना मुश्किल। जब तक हम नहीं रहें तब तक तो कहना मुश्किल है। आज के ज़माने में सब बदलता चला जा रहा है। जो हो उसको अगर लिया जाए आध्यात्मिक दृष्टि से लिया जाए, उसमें यह है कि भाई इसके पहले जो कुछ किया वो मैंने त्याग दिया, अब मैं नए सिरे से प्रारंभ करूँ, इस प्रकार का एक भाव यदि रहे तो वो अच्छा है। और सच पूछा जाए तो साधक के लिए आवश्यक है कि उसको पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, नया प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पहली जनवरी को वेट करेंगे या इस नए वर्ष के लिए वेट करेंगे। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति एक साधक अपना नया जीवन नया वर्ष प्रारंभ कर सकता है। और ये अगर युवा अवस्था में अगर किया जाए तो उसका संस्कार हो जाता है। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था इस प्रकार का, और कुछ दिनों तक इस प्रकार किया था। जो भी हुआ था हुआ, भूल जाओ, अच्छा किया बुरा किया सब भूल जाओ, अब नए सिरे से जीवन को प्रारंभ करो, ये नया जन्म प्रारंभ करो, नया वर्ष प्रारंभ करो। इस प्रकार का भाव अगर हम लें प्रत्येक दिन के लिए तो वो अच्छा हो। तो इस करके हम आज से नया अध्याय प्रारंभ करते हैं विवेकानंद जी के संग में, यही पढ़ रहे हैं हम, उसको प्रारंभ करते हैं। परिच्छेद 2, कलकत्ता से काशीपुर जाने का रास्ता, गौर गोपाल लाल सील का बगान, ईस्वी 1897। कौन सा महीना है और कौन सा दिन है देखेंगे अगर कहीं मिल जाए, लेकिन ये जो चंद्रशेखर शरदचंद चक्रवर्ती हैं इन्होंने कई स्थानों पर तारीख और दिन नहीं लिखा, केवल वर्ष लिखा हुआ। आज दोपहर को स्वामी जी गिरीशचंद्र घोष के मकान पर आराम कर रहे हैं। गिरीशचंद्र घोष हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के एक बहुत ही अंतरंग गृहस्थ शिष्य थे, महान नाटककार थे, और उनके बारे में उनकी जो भक्ति थी इतनी अद्भुत भक्ति थी कि बस आप सब जानते हैं उसके बारे में। उनका चरित्र जो भी कह रहा हो, लेकिन उनके बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण पर समर्पित करके
अपने सारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया था। तो गिरीश चंद्र घोष के मकान पर श्री रामकृष्ण हैं, वहाँ पर ये शिष्य चंद्रशी शरद चंद्र स्वामी जी हैं, ये शरद चंद्र चक्रवर्ती वहाँ पर गए और अब उससे प्रणाम करके वो उन्होंने कहा कि चलो हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, गोपाल लाल शील के मकान पर तुम भी चलो। वो चल गए। अब वो गाड़ी में बैठकर स्वामी जी अपने आप गाने लगे, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये सबको याद है ना, है ना? ये तो गंगा विश्वनाथ जी का उनकी स्तुति है। हाँ विजय सुगारे लगे और इस बीच उन्होंने देखा कि एक रेल का इंजन वो रेल के ऊपर जा रहा था। स्वामी जी ने उसको कहा देखकर, देखो कैसा सिंह की तरह जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि यह तो जड़ है। ठीक है, इंजन तेजी से चला जाता है, सिंह जैसा लगता है, लेकिन ये है तो जड़। उसके पहले पीछे जो उसके पीछे जो चलाता है, उसके चलने का प्रबल, उसके पीछे जो है मनुष्य की चेतना शक्ति उसको चलाती। स्वामी जी ने उसको स्वीकार किया और पूछा। और ये एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में बात अच्छी चालू हो रही है। वो कहते हैं चेतना का लक्षण क्या है, कॉन्शियसनेस, हम चेतना बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस, चेतना का लक्षण क्या है? ये माइक है अगर बोल रहा है, कार चल रही है, ये सब तो चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला मानव है, बड़ा सारा इंजन है, एक छोटा सा मानव चला रहा है, चेतना का लक्षण क्या है? कहते हैं महाराज चेतना वही है जिसमें बुद्धि की क्रिया पाई जाती है, इंटेलेक्ट, बुद्धि यदि हो उसको पाया जाता है। स्वामी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी क्या कहते हैं, जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई करता है वह चेतना, संघर्ष प्रकृति के अंदर संघर्ष। और स्वामी जी कहते हैं यदि एक चींटी को मारने को जाओगे तो देखोगे कि वह अपने जीवन रक्षा के लिए लड़ाई करेगी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जानवर हो, वो चींटी लड़ाई करेगी, उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और याद रखिए जहाँ चेष्टा है, जहाँ पुरस्कार है, जहाँ संग्राम है, वही जीवन का चिन्ह है, चैतन्य का प्रकाश है। इस बात को हम सभी को याद रखना चाहिए। और फिर स्वामी जी क्यों कहते हैं इसको, स्वामी जी स्वयं बताएंगे कि हम भारतीयों में मानव चेतना का उस समय लोप हो गया था और हम तो अब जानते नहीं हैं, सारा भारत काफ़ी 100 वर्षों में परिवर्तित हो गया है। स्वामी जी ये 1900 की बात है, ये कहा है 1897, यानी करीब करीब 150 वर्ष पहले की बात है। और हम लोग जब छोटे थे तब भी हम, अब उम्र हमारी 84 हो रही है, तब छोटे थे 75 वर्ष पहले भी भारत की अवस्था दूसरे प्रकार की। शहरों में तो ठीक है, गांव में जाओ तो कैसी दुर्दशा थी, लोगों को खाने नहीं है और अन्न उगता ही नहीं था। उसके बाद में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन हो गया, कई प्रकार के परिवर्तन हो गए, भारत का विकास हुआ है, भारत में पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन उसके साथ विकास भी तो हुआ। तो उसमें अब वो चीज़ नहीं है, चेतना का पूर्ण रूप से ह्रास वो नहीं है। स्वामी जी कहते हैं क्या, यह कहते हैं ये लड़ाई है, जीवन का चिन्ह है चैतन्य का प्रकाश। शिष्य कहते हैं क्या यही नियम मनुष्य और मनुष्य जाति के संबंध में भी ठीक है? स्वामी जी कहते हैं ठीक या है या नहीं, यह इतिहास को, संसार के इतिहास को पढ़कर देखो, यह नियम तुम्हारे अतिरिक्त सब जातियों के संबंध में ठीक है। उस जमाने में भारत की ऐसी दुर्दशा हम समझ नहीं सकते, अंग्रेज लोग कितना अत्याचार करते थे, हम चुपचाप सहन करते थे। उसके बाद में फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल ये स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि प्रारंभ हुए और उसके बाद में काफ़ी परिवर्तन हुआ। आजकल संसार भर के में तुम्हें एक जड़ के समान हो, तुमको बिल्कुल मंत्रमुक्त कर डाला गया है। बहुत प्राचीन समय से औरों ने तुमको बतलाया है कि तुम हीन हो, तुम में शक्ति नहीं है, और तुम भी यह सब सहस्त्र वर्षों से अपने को समझाने लगे हो कि हम हीन है, निकम्मे हैं।
स्वामी विवेकानंद के पत्रों को भी अगर पढ़ेंगे तो बार बार ये बात आती है कि तो अपने आप को क्यों खोज रहे, उठो जागो, बार बार उस बात को स्वामी जी कहते हैं। यहीं पर ये भी कहते हैं, ऐसा ध्यान करते करते तुम वैसा बन गए हो। अपने शरीर को दिखा कर कहते हैं, यह शरीर भी तो इस मिट्टी से बना है, लेकिन मैंने कभी इसकी चिंता नहीं कहा कही। देखो, इसी कारण उनकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से हमको चिरकाल हमको चिरकाल से समझते हैं। जो हमको चिरकाल से समझते हैं, उन्हीं लोगों ने, अंग्रेज लोग जो हम ये हिदन कहते थे, ये हिंदुओं को जो गलभला भला बुरा कहते थे, हीन कहते थे, स्वामी जी कहते हैं उन्हीं लोगों ने मेरा देवता के सम्मान किया है और करते हैं। यदि तुम सोच सको कि हमारे अनंत अनंत शक्ति है, अपार ज्ञान, अनंत उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जगा सको, तो तुम भी मेरे समान हो जाओ। ये बात एक विशेषकर आज के युवकों को होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, कई बार मैं कहता हूँ कि स्वामी जी किताब पढ़ पढ़ के हम क्लास में फर्स्ट आने लग गए। पहले पास हो रहे थे, फर्स्ट भी हो जाते, कभी पास होते थे नहीं, फेल हो जाते थे नहीं, पढ़ के हम क्लास में फर्स्ट आने लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब पास होने लग गए। उसके बाद में फिर स्वामी जी को पढ़ते पढ़ते सन्यासी बन। कितने लोगों का हम जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं जब वहाँ पर अपने ट्रेनिंग के समय, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के समय, सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग के समय जब एम्स में थे हम, स्वामी एक डॉक्टर डी एन टंडन थे, वो हमारे बॉस थे, वो हमको गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी सिखाते थे। हम एक सप्ताह का कैंप किया एक विलेज में, गाँव में। हम डॉक्टर्स ले गए, लेबॉरेटरी ले गए, सात आठ जने ले गए, जितने गांव में जितने पेशेंट्स हैं उनका हम एग्जामिन करेंगे उनको फ्री, और एग्जामिन करके पेट के एग्जामिन खास करके डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। डाक बंगलो में हम लोग रहे, मैं एक कौन था उस वक्त, दो तीन डॉक्टर थे और हमारे बॉस भी अटेंडेंट। शाम को रात को हुआ, खाना खाने के बाद में देखा मैंने बी एन टंडन ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद सेवंथ वॉल्यूम, सातवां वॉल्यूम निकाल कर पढ़ने लगे। मैंने कहा, सर आप ये पढ़ते हैं? हाँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ। अब ये देखिए, ऑर्डिनरी डॉक्टर, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी स्पेशलिस्ट बने, और उसके बाद में एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंडिया की टॉप जो इंस्टीट्यूशन है, उसके वे डायरेक्टर भी बने थे। ये स्वामी विवेकानंद के प्रति। अब योग कहें, नहीं नहीं ये तो भक्ति का नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, अध्यात्म नहीं हुआ। अरे छोड़िए, जितने लोग अध्यात्म में जाते हैं वो क्या सब प्राप्त हो जाते हैं? जो चाहते हैं वो मिल जाता है। वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने में पता चलता है कि जो उन्होंने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में किया है वो सब भी भक्त, वो भी धर्म है। ये स्वामी विवेकानंद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमको बताई है वह यह है, रिलीजन धर्म और रिलीजन, ये लोक कल्याण सेवा इत्यादि और धर्म, ये अंधभेद नहीं है। जो कर्म करते हैं वो सबका सब हमारा वर्क इज वर्शिप, बार बार स्वामी जी कहते हैं इस चीज को, वर्क एंड वर्शिप, और साथ में वर्क इज वर्शिप, जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी सेवा। और नहीं तो फिर रामकृष्ण मिशन इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों लगा रहे हैं? ये तो फिर अटैचमेंट हो गया, सब फंस गए, हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके बाद में फिर एक इस बिल्डिंग बनाई, उसके बाद में फिर उसके अंदर एक स्पेशलिटी बनाई, दूसरी स्पेशलिटी बनाई। ये तो चक्कर है, लोग समझते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं। नहीं, स्वामी विवेकानंद को ठीक से पढ़ने में पता चलता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म उपासना ही है। ये अच्छी तरह समझना चाहिए, और ये बात जब हम पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह समझ में आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग यहाँ तीन तीन क्लासेस तो ठाकुर पे होती है,
लेकिन ठाकुर को पढ़ने के पहले स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह समझना पड़ता। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम में अदम्य शक्ति है, अदम्य उत्साह वर्तमान है, अपनी शिव भक्ति को अगर शक्ति को अगर जगा सको तो तुम भी मेरे समान भी हो जाओगे। शिष्य कहते हैं, महाराज ऐसा चिंतन की शक्ति कहाँ से मिले, ऐसा शिक्षक या उपदेशक कहाँ से मिला जो बचपन से या लड़कपन से ही हमें इन बातों को सुनाता और समझाता रहे। हमने तो जो कुछ यही सुना है और सीखा है आजकल कि पठन पाठन केवल नौकरी के निमित्त है, पढ़ाई लिखाई करने से क्या लाभ होगा, नौकरी मिलेगी। अरे छोड़ो इसको, स्वामी जी क्या कहते हैं, इसीलिए दूसरे प्रकार से सिखलाने और दिखलाने के लिए हम आए हैं। तुम इस तत्व को हमसे सीखो, समझो और अनुभव करो, फिर इस भाव को नगर नगर में गांव गांव में जाकर फैलाओ और बहु कहो, उठो जागो सो मत, संपूर्ण अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्ही में है। इस बात पर ध्यान करने से ही वह शक्ति जाग उठेगी। इस बात को सबसे कहो और साथ साथ सरल भाषा में विज्ञान दर्शन भूगोल इतिहास की मूल बातों को सर्वसाधारण में फैला दो। मेरा ये विचार है कि मैं अविवाहित नवयुवकों को लेकर एक शिक्षा केंद्र स्थापित करूं, पहले उनको शिक्षा दूं, तत्पश्चात उनके द्वारा इस कार्य का प्रचार। तो स्वामी जी की बात ही हो गई। इसका मतलब ये भी है, याद रखिए कि अगर हम अध्यात्म में लगे हुए हैं तो इसमें भी कहीं पर ढील नहीं होना चाहिए। हम लोग आ जाते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा जोश रहता है, उसके बाद में ढीले हो जाते हैं। सुबह शाम थोड़ा आधा पौन घंटा बैठे, थोड़ा आधी नींद आ रही है या कुछ आ रही है, वो सुबह शाम ध्यान कर लिया, यह बस हमारा अध्यात्म हो गया। सारे दिन कैसे बीतता है भगवान है। तो अगर स्वामी जी ने जो बात कहा है वो उसको भी उसमें भी हमको उठकर लगना पड़ेगा। एक करना है तो फिर ब्रह्मानंद जी तो कहते हैं जो अध्यात्म लगना चाहता है, जो आध्यात्मिक ध्याननिष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसको कितने घंटे ध्यान करना चाहिए, 14 घंटे। अगर ध्याननिष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हो 14 घंटे। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब रिटायर होकर आए हैं ना, और तो कुछ काम नहीं है। हमने तो मिस्टेक किया है ना, कमिटेड, वी आर बंगला इंग्लिश बोलते हैं ना, वी आर कमिटेड टू स्पिरिचुअल टू मेडिटेटिव लाइफ, लेकिन 2-4 घंटे। तो उठे पड़े लगो, जिसे कहते हैं ना, लग जाओ। ये ध्याननिष्ठ जीवन करना है तो अच्छा प्लान कराओ। अरे एक दिन चला गया और नहीं मिला, अरे नहीं नहीं बुढ़ापे में ऐसा तो नहीं होगा, वो नहीं होता। जो साधक है वो नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मैं जवान हुआ हूँ, वो पूरे धम के लग के लगता। तो स्वामी जी को पढ़ने से ये होता है, स्वामी जी को पढ़ने पर जो भी हम कार्य करने हैं उसमें जोश प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है, हमें प्रेरणा प्राप्त होती है उसको करने की। इसके बाद कहते हैं महाराज, शिष्य ने कहा था और ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर सारे इसमें शिष्य जो है बीच बीच में प्रश्न करता है, शंका उठाता है, इतना अच्छा लगता है कि बस। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, शंकर भाष्य इत्यादि पढ़ते हैं, वहाँ भी वो पूर्व प्रश्न उठता है, शंकर उठती है, इसका उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को हम अच्छी तरह समझ सकें। और यहाँ भी भले ही ये लौकिक दृष्टि से लौकिक साधना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न उठाना बहुत उपयोगी है हमारे लिए। शिष्य प्रश्न करते हैं, इस कार्य के लिए बहुत से धन की अपेक्षा है, रुपया कहाँ से आएगा। स्वामी जी कहते हैं, तू क्या कहता है, मनुष्य ही तो रुपया पैदा करता है, रुपये से मनुष्य पैदा होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। सच पूछा जाए तो पहले मनुष्य की आवश्यकता है, रुपया आ जाता है, हमेशा आ जाता है। प्रत्येक कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो प्रारंभ में बिल्कुल कम रुपये से चालू हुई हो और रुकी हो,
दो चार युवक दो चार व्यक्ति उसमें लगे रहते हैं, पैसा आ जाता है, वे लोग या तो दान मांगते हैं या जो भी करते हैं, पैसा आ जाता है, संस्था एक बार चल जाती है तो पैसे के कारण, कभी भी हमने सुना नहीं कि पैसे के कारण किसी संस्था को बंद करना। तो स्वामी जी कहते हैं, मरुभूमि से मनुष्य पैदा हो तो ये तो मैंने कभी नहीं सुना। यदि तू अपने मन और मुख को एक कर सके तथा वचन और क्रिया को एक कर सके तो धन आप ही तेरे पास यंत्रवत चला आएगा। एक कंडीशन स्वामी जी कहते हैं, मन मुख एक करो, जैसा मन में सोचता है वैसा कर्म करो, दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। लोग जान जाएंगे कि ये आदमी सच्चा आदमी है, सिंसियर आदमी है, ये झूठ नहीं है, छल नहीं करता है, जैसा करता है वैसा सोचता है, और तुम्हारे पास रुपये आएंगे। अच्छा महाराज, माना कि धन आ गया और आप अपने आप ने इस सत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया, तब फिर क्या हुआ? इसके पूर्व कितने महापुरुष कितने सत्कार्यों का अनुष्ठान कर गए हैं, वे सब सत्कार्य अभी कहाँ हैं? यह निश्चय है कि आपके भी प्रतिष्ठित कार्य के भविष्य में ऐसी ही दिशा होगी। आपने रामकृष्ण मिशन शुरू किया है, वो भी तो कभी न कभी जाएगा। स्वयं स्वामी जी कहते हैं कि 1500 वर्ष रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। कितनी ऑर्गेनाइजेशन आए हैं बड़ी बड़ी, हम छोटे में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन 100, 200, 300 साल में ख़त्म हो गई। तो ये प्रारंभ होना और अंत होना तो ये तो होगा। तो सच में पूछना हुआ कि यह निश्चय है कि आपके भी प्रतिष्ठित कार्य में भविष्य में ऐसी दशा होगी, ऐसे में उद्यम की क्या आवश्यकता है? ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी प्रकार से काम नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते, एक बहाना बना रहे हैं कि पैसा होगा या फिर कुत्ते दिन चलेगा नहीं चलेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और निगेटिव प्रश्न यह है, यानी उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा उपयोगी हो गया है। जो हमारे मन में इस प्रकार के निगेटिव विचार जब आएंगे तो उसका उत्तर क्या है, ये स्वामी जी यहाँ पर देखते हैं। स्वामी जी ने कहा, भविष्य की क्या में क्या होगा इसकी चिंता जो सर्वदा करता है, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर बैठे बैठे यही सोचते रहे कि भविष्य में क्या होगा, अरे उसके बाद लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ चालू करेंगे, अगर बढ़ाना होगा तो कैसे होगा, ऐसा सोचता रहे तो कुछ कार्य नहीं हो सकता। आप लोगों ने पता नहीं सच्चे रूपानंद जी का दर्शन यहाँ पे किया या नहीं किया, सच्चे रूपानंद जी, सत्य रूपानंद जी, सच्चे रूपानंद जी माँ के शिष्य थे, बहुत सीनियर स्वामी, इंदौर आश्रम के प्रतिष्ठाता, इंदौर आश्रम उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद 4-5-7 साल रहे, मैनेजिंग कमेटी बनाई, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हम युवक थे, हम स्टूडेंट थे, हमारी परीक्षा हो रही थी, MBBS था, MD था, उसमें बिजी रहते थे, हम जाते थे, उसके बाद में फिर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं, स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे को जो पॉकेट मनी मिलती थी वो हम डोनेशन स्वामी जी को वहीं आश्रम में दे देते थे, वो 40 रुपया उस जमाने में बस। तो हम जब MD एग्जामिनेशन के लिए बिजी थे, वो सच्चे रूपानंद जी चले गए, इंदौर आश्रम छोड़ के चले गए। अब हॉस्टल चलाया था उन्होंने, वो आश्रम था, और आश्रम में कुछ लड़के रहते थे, हॉस्टल में कुछ लड़के रहते थे, उनके पास में उनके आश्रम में 2-3 लोग रहते थे, वो क्या जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने आश्रम जो शुरू किया चलने देते हैं। तो ये दो रवि थे, रवि और महेश, महेश आगे सबके प्रत्येकानंद हुए, यहीं पर उनका शरीर भी गया, और रवि उसका नाम क्या था, नित्यानंद, वो बाहर बस। और हमने जिस आश्रम में सबसे पहले सच्चे रूपानंद जी ने जिस हॉल को किराए लेकर आश्रम शुरू किया था, वहाँ पे हम आ गए। और मैंने कहा मैं भी आऊँगा, मैं बोल तो दिया मैंने,
लेकिन मेरा तो घर वहाँ पे है, माँ वहाँ पे है, माँ कभी परमिट नहीं करेगी। ठीक है, माँ ने मना कर दिया स्ट्रॉन्गली। तो मैं रोज अपने मेडिकल में जाता था, आता था। आरती के समय हम लोग पहुंच जाते थे, तीन चार जने आरती कर लेते थे, और फिर मैं रात को खाना खाने के बाद फिर आता था। और रात को हम लोग कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे, तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, मैंने कहा ना, उसको पढ़ के जोश आता। मैनेजिंग कमेटी तो रजिस्टर्ड हो गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में रजिस्टर कमेटी ने एक स्कूल चालू किया था, पहले ही चालू कर दिया था। एक लैंड के लिए अप्लाई किया था, जमीन भी मिल गई, तो आश्रम को छोटे से कमरे में जमीन में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वो स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बन गई, वहाँ कर दिया। और हम तो चले आए, सब हो गया, लेकिन आश्रम जो है वो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है। रामकृष्ण मिशन का सेंटर बन गया, ऑफिशियल सेंटर बन चुका है। हाँ, स्कूल है ना, स्कूल काफी बड़ा स्कूल है। तो ये जो होता है, अगर आपको निष्ठा है कि भाई चलेगा, देखा जाएगा, पैसा भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, लोग भी आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। वो ऐसे भी लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैनेजिंग कमेटी जानते हैं, ऐसे भी लोग। तो स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए तू जिसे तू समझता है कि वह सत्य है उसी को कभी कभी कर डाल। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तनिक सा तो जीवन है, यदि इसमें भी किसी कार्य के लाभालाभ का विचार करते रहें तो क्या उस कार्य को करना संभव है? फलाफल देने वाले तो ईश्वर हैं, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। इसके विषय में पढ़ने की तेरी का कोई प्रयोजन नहीं है, तू चिंता न कर, अपना काम किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रैक्टिकल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, हमें याद रखना चाहिए। बातें करते करते गाठी कोटी पर पहुंची, लोग उन स्वामी जी को देखने के लिए आए, और स्वामी जी के अंग्रेजी शिष्य गुडविन वहीं पर खड़े हुए थे। शिष्य से स्वामी जी ने उसका परिचय किया है, उसके बाद में दूसरी बातें होने लगी। स्वामी जी ने शिष्य से पूछा, क्या कठोपनिषद तेने कंठस्थ कर लिया? कठोपनिषद की चर्चा बाद में भी हुई थी, कठोपनिषद कंठस्थ कर लिया। और ये बात हम लोगों को सबको याद रखना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद के को मानते हैं, अब अनुयायी और शिष्य शब्द में नहीं यूज करता हूँ, स्वामी विवेकानंद के अगर अपने विश्वास है तो आस्था है, कंठस्थ कठोपनिषद को अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। आप लोगों ने तो पढ़ा है और यहाँ पर क्लासेस भी हो चुके हैं, इतना सुंदर है, इतना पोइटिक, जिसने कवित्व मन है, सूरज छंद में है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं उसमें, और उसको तो हम हारमोनियम पे भी, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरां तेषां सुखं शाश्वतमेतरेषां एतद्वैतत्। ये सब इतने सुंदर ढंग से इसको हारमोनियम पे गाया भी जा सकता है। अच्छा, वो कठु स्वामी जी का उसमें ही नहीं, अच्छा अच्छा तो मेरा ये कहना है कि स्वामी जी बोल रहे हैं कठोपनिषद को कंठस्थ करने को शिष्य को बोल रहे हैं। उपनिषदों में ऐसा सुंदर ग्रंथ और कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू इसे कंठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा साहस विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर, केवल पढ़ने मात्र से क्या होगा। स्वामी जी ये केवल शिष्य को नहीं कह रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। हमें भी कठोपनिषद को मुखस्थ करना चाहिए, और उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके में जो आदर्श हैं,
नचिकेता के आदर्श जीवन इत्यादि की बात है, उसको अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना चाहिए। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार, वैराग्य, श्रद्धा विवेश सो मन्यता शुरू में ही है। उसको जब कहा, ये बात कही, यज्ञ हो रहा था तो उसमें श्रद्धा का प्रवेश किया और उसने ये सोचा। और जब उसके पिता ने कहा कि मृत्यु वे त्वां ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तो क्या कहते हैं नचिकेता सोचता, बहुनामे मत प्रथम बहुनामे मध्यम किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यम मया देव करिष्यति। मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैं मुझमें कुछ स्ट्रेंथ है, मैं अधम तो नहीं हूँ, भले श्रेष्ठतम नहीं हूँ लेकिन मध्यम हूँ। मुझमें इतना विश्वास है, अपने में श्रद्धा थी, अपने आप में विश्वास। इसीलिए स्वामी विवेकानंद नचिकेता को आदर्श मानते हैं और कठोपनिषद को भी आदर्श मानते हैं और बार बार इस बात को कहते हैं। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य, वैराग्य की परीक्षा होती है। यम रमराज उसको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं और उसके बाद यम नचिकेता विचार के द्वारा उनको सब काट देता। उसके बाद कहते हैं, शिष्य कहते हैं, ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस समय उस सब का अनुभव हो, यानी जो नचिकेता को अनुभव था। स्वामी जी कहते हैं, तुमने तो श्री राम कृष्ण का कथन सुना है, वह कहते थे कृपायु वायु, कृपा रूपी वायु सर्वदा बहती रहती है, तू पाल उठा क्यों नहीं देता। रे बच्चा, क्या कोई किसी को कुछ दे सकता है? गुरु तो केवल यही बतला सकते हैं कि अपना कर्म अपने ही हाथ में है, बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है, जल वायु तो उसके सहायक मात्र हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, पाल तानना है। श्री राम कृष्ण का एक प्रसिद्ध उपदेश है, पाल तानना। हवा चल रही है और मालिक वो क्या करता है, आप कलकत्ता में जाइएगा, वहाँ पे गंगा पे नौका चल रही है, तो वो माझी क्या करता है, वो उसको वो अपने नौका का पाल तान देता है। हवा से वो चल रही थी, उसके एंगल को वो करके जिस दिशा में जाना है उसको वो करता है, और कुछ नहीं करना है, सारा काम हवा कर रही है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा रूपी हवा बह रही है, हमको थोड़ा सा प्रयत्न करना है, उसको दिशा को पकड़ना है बस। वो कैसे होगा, थोड़ा सा संयम, थोड़ा स्वाध्याय, नियमित जीवन, इतना करेंगे तो इतना सारा मिल जाएगा कि बस हमको खुद आश्चर्य होगा कि कैसे थे, कैसे हो गए, ये कैसे हुआ, कृपा से हुआ। क्या कहते हैं श्री राम कृष्ण, कहते हैं ना कि वो 1% 10% सेल्फ एफोर्ट से होता है, 90% जो है वो कृपा से होता है, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, 10 कदम अपने पास आते हैं। तो ये बात स्वामी जी भी कहते हैं कि जलवायु तो उसके सहायक मात्र हो जाते हैं, वृक्ष जो है एक बीज डाल दिया है, बस अपनी शक्ति से अपना आप उठेगा, थोड़ा सा उसको मदद कर दो और कुछ नहीं करना। तो शिष्य भी छोड़ने वाला नहीं। तो देखिए महाराज, बाहर की सहायता भी तो आवश्यकता है। हाँ है, स्वामी जी कहते हैं, परंतु बात यह है कि भीतर पदार्थ न रहने से सैकड़ों प्रकार की सहायता से भी कुछ फल नहीं होता। भीतर अगर कुछ नहीं है, प्रयत्न अगर बिल्कुल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और आत्मानुभूति के लिए एक अवसर सभी को मिलता है, क्योंकि सभी ब्रह्म हैं, ऊंच नीच का भेद ब्रह्म विकास के तारतम्य मात्र से होता है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, स्वामी जी तो बार बार कहते हैं ना, उस ब्रह्म को अभिव्यक्त करना है। और जिस मात्रा में उसको तुम प्रयत्न करोगे, जितने मात्रा में वह बीज है, और बीज को थोड़ा सा खोदना पड़ेगा अच्छी तरह, तो पत्थर की जमीन में रखोगे तो नहीं निकलेगा, थोड़ा खोदो, थोड़ा पानी दे दो, बस इतना तो करना पड़ेगा, फिर अपने आप वो उठेगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा। यही स्वामी जी कहते हैं
कि आपके पास में सभी कुछ क्षमता है, बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है। सभी ब्रह्म है, ऊंच नीच का भेद ब्रह्म विकास के तारतम्य मात्र से होता है। समय आने पर सभी का पूर्ण विकास होगा, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कालेन आत्मनिविद्यति। प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसका विकास हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। महाराज ऐसा कब होगा? शास्त्र से जान पड़ता है कि हमने बहुत जन्म अज्ञान में बिताए हैं। शास्त्र से कि हम थोड़ा सा विचार करके लगता है, अरे पहले आते हैं तो अच्छा रहता, और अभी आए भी तो जितना है उससे ज़्यादा लगे रहते तो अच्छा रहता। कोई बात, एक तो अज्ञान के कारण और दूसरा हमारे पुरुषार्थ के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। स्वामी जी कहते हैं डर क्या है, अब जब तू यहाँ आ गया है तब इसी जन्म में तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मुक्ति समाधि ये सब ब्रह्म प्रकाश के पथ पर के प्रतिबंध तो केवल दूर करने के लिए होते हैं, क्योंकि आत्मा सूर्य के समान सर्वदा चमकती रहती है। केवल अज्ञान रूपी बादल ने उसे ढक लिया है, यह भी हट जाएगा और सूर्य का प्रकाश होगा, तभी विद्यते हृदय ग्रंथिस, ये होगा, ऐसी अवस्था होगी। जितने पथ देखते हो वे सब इसी प्रतिबंध रूप बादल को दूर करने का उपदेश देते हैं। जो भी बातें हैं ये सब बाधाएं दूर करने के लिए है। अभी हमने इस पर कुछ देखा है, जिसने जिस भाव से आत्मानुभव किया है वह उसी भाव से उपदेश कर गया है, परंतु सबका उद्देश्य आत्मज्ञान आत्मदर्शन है। जिसने जिस भाव से उसको प्राप्त किया है उसको ही उसने उपदेश दिया है। अब क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ लीजिए, उन्होंने अपने ढंग से उसको साक्षात्कार किया है और उसको उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, और हम देखते हैं तो लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है। अब अलग अलग कई बड़ी सुंदर सुंदर किताबें हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट है, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम है, पता नहीं कितनी कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। उनमें उन्होंने प्रत्येक ने अपने जिस ढंग से हम गए हैं उस मार्ग से गए हैं उतना बताया। जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने पथ है, सभी ने ठीक कहा, जो आपको ठीक लगे उसको लेंगे। स्वामी कहते हैं आत्मभाव का उद्देश्य है, परंतु इस सब का उद्देश्य है आत्मज्ञान आत्मदर्शन। इसमें सब जातियों को सब प्राणियों को समान अधिकार है, यही सर्वसम्मत मत है। ठीक, जो भी पढ़ो आपको ठीक लगेगा उसको ले लो और आगे चलो। महाराज शिष्य कहते हैं शास्त्र के इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ तब आत्म वस्तु अभी तक प्रत्यक्ष न हो रहे का कारण मन बहुत ही चंचल हो जाता है। जब पढ़ते हैं तो लगता है आहा कितनी अच्छी बात लिखी है, अरे हमको भी हो जाता। स्वामी जी कहते हैं इसमें इसी को व्याकुलता कहते हैं। अगर इस जीवन में भी इस समय भी हमारी वृद्धावस्था में भी हमको यह लगे, मन चंचल हो जाए कि अहो हो हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अरे अब तो लगें व्याकुल हो जावे दुख होवे, तो समझ स्वामी जी इसी को व्याकुलता कहते हैं। लग जाइए, अभी साधना कीजिए, बिगिन दिस डे। कहीं मैंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में या कहीं पे ऐसे स्थान पे कई जगह पढ़ा है, बिगिन द दिस डे, इस समय इस दिन शुरू करो। जिस दिन आपको ये लगता है, जिस दिन व्याकुलता होती है उस दिन शुरू करो। ये मत देखो कि हमारी उम्र 50 है 60 है 100 है, ये मत देखो, शुरू करो। इट इज नेवर टू लेट। वो प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है ना, ब्रदर लॉरेंस का। ब्रदर लॉरेंस अब एक नन को लिखते हैं, क्या कहते हैं, आई एम 80 यू आर 60, लेट अस बिगिन नाउ, इट इज स्टिल नॉट टू लेट। मेरी उम्र 80 बरस की है, तुम 60 बरस की हो, प्रारंभ करो, अभी भी देर नहीं हुई, इट इज नेवर टू लेट। ये व्याकुलता स्वामी जी कहते हैं, इसी को व्याकुलता कहते हैं। यह शिष्य जो था वो भी कोई तो जवान तो था नहीं, यह तो बल्कि विवाहित था, और होगा 40-50 का तो होगा ही। हाँ, तो स्वामी जी कहते हैं यह जितनी व्याकुलता बढ़ेगी प्रतिबंध रूपी बादल उतना ही नष्ट होगा।
उतना ही श्रद्धा जनित समाधान प्राप्त होगा। एकाग्रता, समाधान यानी एकाग्रता श्रद्धा से, शमने शनह आत्मा करतल मलाकवत हो जाएगी। कर में, हाथ में जैसे आंवला हो, फल हो, जिस प्रकार स्पष्ट होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी तुम साक्षात्कार अनुभव कर सको। कितनी अच्छी बात, कितनी महान बात है। अनुभूति धर्म का प्राण है। कुछ कुछ आचार तथा नियम सब मान सकते हैं, कुछ विधि और नियम पालन भी सब कर सकते हैं, परंतु अनुभूति के लिए कितने लोग व्याकुल होते हैं। नियम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, हमें व्याकुल होना पड़े। व्याकुलता के बाद स्वामी जी कहते हैं, जो उसने कहा कि मुझे कष्ट होता है, मन चंचल हो जाता है, यह व्याकुलता है। इस उम्र में भी जब कभी अगर तुमको ये लगे कि अरे क्या किया, व्याकुलता हो, व्याकुलता ईश्वर लाभ या आत्मज्ञान के निमित्त उन्मत्त होना ही यथार्थ धर्म प्रवणता है। धर्म प्रवणता, कुछ नियमों का पालन, सुबह उठ के थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, ये कर लिया, वो कर ली, पूजा कर ली, इतना मात्र नहीं है। स्वामी जी तो कहते हैं ये व्याकुलता है जो है वास्तविक धर्म प्रवणता है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रिलीजियोसिटी। भगवान श्री कृष्ण के गोपियों में जैसी भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों की जैसी उन्माद उन्मत्तता थी, वैसी आत्मदर्शन के लिए होनी चाहिए। गोपियों के मन में भी स्त्री पुरुष का भेद कुछ था, ठीक ठीक ज्ञान आत्म कुछ भेद कुछ कुछ भेद था, पर तो ठीक ठीक आत्मज्ञान में लिंग भेद कदापि नहीं रहता। बात स्वामी जी बात करते करते जयदेव से लिखित गीत गोविंद के विषय में कहने लगे। यह जयदेव संस्कृत भाषा के अंतिम कवि हैं। उन्होंने कई स्थानों में भाव की अपेक्षा श्रुति मुद्रित पद विन्यास पर अधिक ध्यान दिया है। देखो गीत गोविंद के पतति पतते इत्यादि श्लोकों में कवि के अनुराग और व्याकुलता की पराकाष्ठा दिखाई गई है। आत्मदर्शन के लिए वैसा ही अनुराग होना चाहिए। उन्होंने श्लोक में कहा है, पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भव उपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथान। थोड़ा पत्ता जब ढलता है तो गोपी जो है उसको लगता है कि कृष्ण आ रहे, और वो शयन को तैयार करती है, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा भाव व्याकुलता, स्वामी जी कहते हैं ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहें। आज यहीं पर रुकें, इसके आगे की चर्चा अगली बार करें। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।